साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। लोकसभा चुनाव के बाद अब यूपी में उपचुनाव की जंग तेज हो गई है। तारीखों का ऐलान फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। दरअसल ये उपचुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से 5 सीटें बीजेपी और उसके सहयोगियों के पास है, वही 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास, और इसीलिए दोनों ही दलों की साख जो है वो दांव पर है। हालांकि बीजेपी के पास क्लीन स्वीप का टारगेट है और इसके लिए सरकार से संगठन तक पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। खुद मुख्यमंत्री योगी चुनावी अभियान की कमान संभाल चुके हैं और डिप्टी सीएम से लेकर संगठन के नेताओं की टीम सभी 10 सीटों के लिए मोर्चा संभाल चुकी है। वहीं समाजवादी पार्टी ने सभी सीटों को जीतने का दावा कर दिया है, लेकिन टिकट पर समाजवादी पार्टी में परिवारवाद हावी बताया जा रहा है और सूत्रों के हिसाब से खबर है कि इस बार भी समाजवादी पार्टी परिवार के लोगों को ही मैदान में उतारेगी। सूत्रों का यह भी दावा है कि मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद उम्मीदवार हो सकते हैं, कटेरी से लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को टिकट मिल सकता है, करहल से तेज प्रताप यादव उम्मीदवार हो सकते हैं, सीसा मऊ से इरफान सोलंकी के परिवार से किसी को टिकट मिल सकता है, कुंदरकी से हाजी रिजवान को उतारने की तैयारी चल रही है, मीरापुर से पूर्व सांसद कादिर राणा को पार्टी टिकट दे सकती है और बाकी 4 सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी में अभी मंथन जारी है। लेकिन सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी के परिवारवाद के साथ INDIA गठबंधन इस उपचुनाव में रहेगा, तो इसी पर करेंगे डिबेट। लेकिन पहले ये उपचुनाव का घमासान, पार्टियों की अग्नि परीक्षा, ये उपचुनाव भी उसके लिए एक अग्नि परीक्षा के समान है, क्योंकि बीजेपी अपनी इस आम चुनाव की जो उसकी टीस है उससे उबरने की भरसक कोशिश करेगी, तो इसलिए समाजवादी पार्टी के सामने बड़ी और कड़ी चुनौती है। सीएम ने संभाली कमान, अयोध्या में फिर घमासान। आई इलेक्शन की 10 सीटों को हम कैसे जीत सकते हैं, इसके लिए सरकार और संगठन दोनों उस प्रयास में लगे हुए हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि संगठन की ताकत और सरकार की योजनाओं के दम पर हम 10 की 10 सीटें जीतने में कामयाब। उपचुनाव की तैयारी, मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी। डिप्टी सीएम केशव और ब्रजेश भी संभालेंगे मोर्चा। उपचुनाव में एसपी का फिर परिवार वाला दाव। जो परिवार के तमाम सदस्य हैं जो नेताओं के, उन्हें टिकट देकर समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है, उनके रणनीतिकारों को लगता है कि उनकी राह आसान हो सकेगी, क्योंकि उन नेताओं का अपनी सीट पर अभी भी खासा प्रभाव है। एसपी का परिवार, क्या INDIA गठबंधन है तैयार? जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। PDA तैयार है, बेरोजगार किसान मजदूर तैयार है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए। और चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। संजय चौधरी जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया जी हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता जी हैं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, अनिल दुबे जी हमारे साथ RLD प्रवक्ता जुड़ चुके हैं और रतिभान त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले संजय चौधरी आपसे कर रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव के लिए सभी रणनीतियों की कसौटी पर अपनी अपनी चीजों को कस रहे हैं। इस बीच सोर्सेस से खबरें चल रही हैं, किसे टिकट मिल सकता है, कौन किसको क्या जिम्मेदारी दी गई है। 5 सीटें आपके पास, 5 समाजवादी पार्टी के पास, दोनों के ही पास अपनी अपनी साख और बचाने के लिए एक उपचुनाव का मंच है, तो ऐसे में सपा की जो संभावित लिस्ट है वो अपने उन सभी लोगों के साथ खड़ी है जिस पर आप परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, चाहे वो लालजी वर्मा की बेटी हो, चाहे वो इरफान सोलंकी के रिश्तेदार हो, 4-5 नाम है, तेज प्रताप का भी नाम है उसमें, प्रसाद के बेटे का भी नाम है उसमें। संजय चौधरी जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो पहले से कहती है वो इस चुनाव के बाद हमने देखा है कि सामान्य रूप से वो जनता की आंखों के सामने आ रहा है। जो नैरेटिव था वो नैरेटिव समाप्त होकर जनता उसे अपनी खुली आंखों से देखती थी। यही विपक्ष का गठबंधन था जो कहता था कि हम आएंगे तो महंगाई कम करेंगे, भाजपा आएगी तो संविधान को समाप्त करेगी, हम आएंगे तो PDA को मजबूत करेंगे। इन मुद्दों के आधार पर विपक्ष का गठबंधन अपने नैरेटिव को बनाता था।
हमने देखा है कि कैसे हिमाचल और कर्नाटक में आने के बाद महंगाई को बढ़ाने वाला यही गठबंधन है उन राज्यों के अंदर। इस गठबंधन ने मिलजुल कर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर महंगाई को बढ़ाया है। हमने देखा है कि कैसे दलित वर्ग के कोटे को कर्नाटक में उसका कोटा कम करके और उसे अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए खर्च करने की बात करते हैं। ये पीडीए की बात करने वाली समाजवादी पार्टी, देखिए चार बड़े बड़े पद लोकसभा में, राज्यसभा में, विधान परिषद में, तीनों में पीडीए का कोई नहीं है, केवल और केवल उसी यादव समुदाय को इन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया। ये बताता है कि पीडीए के और वर्ग इनकी प्रायोरिटी में नहीं है। और एक और मजेदार बात है कि इन जो उपचुनाव के अंदर अभी तक ऐसा रहा है कि अखिलेश जो सीट खाली करते हैं, चाहे वो आजमगढ़ की सीट खाली करें तब भारतीय जनता पार्टी उसको जीत के दिखाती है, और अब करहल को खाली कर मतलब रहे हैं। आप इस बार दावा कर रहे हैं कि बीजेपी करहल भी जीत जाएगी, ये दावा निश्चित रूप से ये अपने निर्वाचन क्षेत्र से भागते रहे और भाजपा उस पर कब्जा। चलिए तो बहुत बड़ा दावा है रैया, उसमें तो सभी परिवार के सदस्य हैं सपा की ओर से। अनुराग जी देखिए हम तो ये सोच के बैठे थे कि न्यूज 18 यूपी पे हम लोग चर्चा करने आए हैं, अब उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास कुछ नहीं है तो कहाँ चले गए, कर्नाटका, हिमाचल, वो भूले गए कि हम उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं। अरे भैया इतनी महंगाई वहां है तो उत्तर प्रदेश में सस्ता कर दो भैया, हम तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में डीजल 30 रुपया कर दो ना, किसने रोका है, आप कर दो, छोड़ो उत्तर, वो नहीं हिमाचल वाले करते हैं, हिमाचल की जनता के साथ जो धोखा कर रहा है, अगर कर्नाटका की जनता के साथ धोखा कर रही सरकार तो आप तो न्याय कर दो, आप दे दो यहाँ पे सस्ता कर दो हमारी सारी चीजें, तो आप उत्तर प्रदेश की बात करने में घबराने लगे हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी घबराने लगी है कि उसको एहसास हो गया है कि उत्तर प्रदेश में उसके पास कुछ बचा नहीं, कहने को है नहीं कहने को बहुत कुछ है। अनुराग जी अभी संजय जी ने कहा कि वो तो करहल भी जीत जाएंगे, और आप लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जो जो सीट आप लोग छोड़ते हैं उसके बाद दोबारा चुनाव हार जाते हैं। तो आस्था जी आप भी अंदर अंदर खूब हंस रही होंगी, नहीं बोल नहीं पा रही हैं कि आप भी कैसे जोर से हंस दें कि करहल जीत जाएंगे, तो आप समझ सकते हैं ना कि वो क्या कह रहे हैं। वो इससे साफ पता चल रहा है कि वो उत्तर प्रदेश में ही नहीं कहीं और है वो भाई। अगर ये आप ये कह रहे हैं कि करहल जीत जाएंगे तो बताने की जरूरत नहीं है, जो अयोध्या हार जा रहे हैं, जो अभी यहाँ 33 सीटें हैं और हार गए, और वो कह रहे हैं कि हम करहल जीत जाएंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी क्या हालत होने वाली है। अरे भाई आप बताओ आपकी हालत अभी पतली हुई कि नहीं हुई, आप 33 पे आ गए, आप उसके बाद कह रहे हैं कि हम करहल जीत जाएंगे, हरियाणा जीत जाएंगे, टेकना जीत जाएंगे, बता लिया है कि अभी। अरे भाई ये बताइए अपना दल के साथ मिलके कौन लड़ता है, हमने तो कभी नहीं बोला अपना दल के साथ मिलके क्यों लड़ते हो भाई, पूछा हमने क्या, हमने पूछा क्या राजभर जी के साथ मिलके क्यों लड़ते हो, हमने पूछा क्या कि निषाद पार्टी के गोदी में क्यों बैठे हो, मैं तो कभी नहीं पूछता कि क्यों निषाद जी का उनके साथ हो, क्यों अपना दल के साथ हो, क्यों राजभर जी के साथ हो, क्यों फिर लौटूंगी आप दोनों के पास। प्रियंका गुप्ता जी अब उपचुनाव की 10 सीटें हैं, हमने एक लिस्ट पढ़ दी जिसमें समझ समाजवादी पार्टी कौन किसको कहां से लड़ा सकती है, लेकिन अभी कांग्रेस का कहीं नाम नहीं आया, हालांकि अभी 4-5 सीटों पर मंथन जारी है, तो कितनी सीटें मिलने जा रही हैं आपको? आस्था जी मुझे लगता है कि बात ये कर ले कि कितनी सीटें नहीं मिलेगी, किन मुद्दों पर चुनाव होगा, सीटें मिलेंगी और तो आप लोगों के स्पष्ट हैं, आप लोग अभी भी पीडीए पर बने हुए हैं, महंगाई बेरोजगारी की बातें कर रहे हैं, अभी अभी अनुराग जी ने भी स्पष्ट किया, लेकिन सीट ज्यादा बड़ा मुद्दा है प्रियंका जी। अब लोकसभा चुनाव के बाद आपने देखा समाजवादी पार्टी का टैली, कांग्रेस भी एक तरह से रिवाइव हुई, तो अब उपचुनाव में कितनी सीटें देगी सपा आपको? देखिए आस्था जी सीटों का डिसीजन तो जो शीर्ष नेतृत्व है वही करेगा, हम और आप डिबेट में ये सीटों का बंटवारा नहीं कर पाएंगे। मिल रही है ना कांग्रेस को सीटें, कोई उम्मीद तो होगी ना आपकी, एक तो ये भी सोर्सेस कह रहे थे कि आप 3-4 सीटों की उम्मीद कर रहे हैं। आस्था जी आपका चैनल इतना बड़ा है कि सबसे पहले आप ही को खबर मिलेगी और आपके माध्यम से देश में खबर मिलेगी, तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में अगर सीटों को बंटवारा होगा तो सबसे पहले आस्था जी उसको डिस्क्लोज करेंगी। अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों पर। भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार का गंदा खेल है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में पूरी तरह फेल हुई है। आप अगर बात करेंगे महंगाई के, तो आलू प्याज टमाटर जैसी चीजों की महंगाई जो बढ़ रही है साल दर साल 30%, 46% और 59%। ये आलू प्याज टमाटर के प्याज रेट बता रही हूँ जो भारतीय जनता पार्टी अभी कर्नाटक इधर उधर घूम रहे थे। हकीकत ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है और प्रदेश में भी सरकार है।
डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी महंगाई चरम पर पहुंच गई, खाद्य महंगाई जो है 9.4% हो गई और साथ में बेरोजगारी की दर 9.2% हो गई है। अब मैं बात करती हूँ कि इनकी इनकी जो भ्रष्टाचार की कहानी है, अयोध्या से शुरू होके उत्तर प्रदेश के विकास नगर पे भी अगर आप जाएंगे तो बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देते हैं, उन गड्ढों के अंदर कार रखी है। और जो रामपथ था और जो पहली बारिश में मंदिर के चूने की कहानी थी, और अभी अभी लेटेस्ट खुलासा हुआ है जिसमें ये तक कहा गया है कि जो है कुछ जमीनों का जो अयोध्या में जमीनें दी गई हैं जिसमें कुछ नाम है जैसे रामदेव जी हैं, रविशंकर जी हैं, अडानी जी हैं, उनको वो जमीन अलॉट कर दी गई जिस पर बफर जोन था, जिस पर सेना प्रैक्टिस करती थी, उसको भी उन्होंने उनको हैंड ओवर कर दिया। ठीक है, बहुत सारे मुद्दे आप उठा रही हैं प्रियंका जी, और आपका कहना है कि चुनावों में ये मुद्दे फिर से सुनाई देंगे। मैं लौटूंगी, एक सेकंड अनुराग जी, सब लोग एक एक बार अपनी बात रख ले, हमारे बीच में अनिल दुबे जी। नहीं, बस ऐड कर दूं, ज्यादा नहीं। मैं तो बस इतना ही कह रहा हूं कि प्रियंका जी कहां इनसे बात उत्तर प्रदेश की कर रही है, कर्नाटका में बैठे हैं, मानसिक रूप से ये चले गए शिमला में, हिमाचल में बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, वो बात कर रहे हैं कर्नाटका की। सोचिए आप, तो आप कहाँ चुनाव जीतेंगे? आप चुनाव तो कर्नाटका में लड़ रहे हैं, आप चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ ही नहीं रहे। या जनता वोट देगी उत्तर प्रदेश के मुद्दों पे, महंगाई, बेरोजगारी, जो अत्याचार है उत्तर प्रदेश में बुलडोजर, और आप चले गए कर्नाटका में वोट मांगने के लिए। अरे प्रभु, इसीलिए बीजेपी हार रही, मैं समझ गया बीजेपी उत्तर प्रदेश में क्यों हार रही है, क्योंकि वोट कर्नाटका मांगते हैं, चुनाव अयोध्या में हो रहा है, वोट कर्नाटका की सुबह मांग रहे हैं, चुनाव चुनाव यहाँ उत्तर प्रदेश। अनुराग जी, उन्होंने उदाहरण दिया कि आप महंगाई, पेट्रोल डीजल कम करने की बात करते हैं तो क्यों नहीं हिमाचल और कर्नाटक में किया गया? आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के आंकड़े से बच रहे हैं। मैं लौटूंगी फिर से आपके पास, अनिल दुबे जी से कमेंट लेते हैं। अनिल दुबे जी, भाजपा के अंदर जिम्मेदारियां बट गई हैं, दोनों ही डिप्टी सीएम, कहा जा रहा है कि हर एक मंत्री को दो क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है कि अब जल्द ही चुनावी मैदान सजने वाला है, और दूसरी तरफ विपक्ष उसका हौसला बुलंद है क्योंकि हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ है, तो वो उस मोमेंटम को बरकरार रखना चाहेंगे। अनिल दुबे जी। जी आस्था जी। जी, अब विपक्ष जो भी अपना क्या बरकरार रखेंगे, इन्होंने आरक्षण खत्म करने का और संविधान खतरे में है दो नारे देकर के लोकसभा का चुनाव लड़ने का काम किया, और उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा कि तीसरी बार देश में श्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इनका वो नारा उत्तर प्रदेश में कुछ हिस्सों में जरूर चला, लेकिन वो नारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं चल पाया। अब उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता जान गई है कि ना तो देश में आरक्षण पर कोई खतरा है और ना ही संविधान को कोई खतरा है। ये दोनों बातें झूठ लोगों ने इनका पकड़ लिया, झूठ और प्रपंच का माहौल ज़्यादा दिन नहीं चलता है। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 10 सीटों के चुनाव हैं, एनडीए हम सारे लोग मिल करके 10 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, और आप इस आपके चैनल पर मैं कहना चाहता हूँ कि 10 सीटों पर एनडीए भारी पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा सीटें एनडीए गठबंधन। अच्छा, आप ये नहीं कह रहे हैं कि जीतेगा, आप कह रहे हैं भारी पड़ेगा। जो कुछ भी उनका मंसूबा है वो काट की हाड़ी, वो केवल एक बार चढ़ती है, और वो काट की हाड़ी इनकी एक बार चढ़ चुकी लोकसभा में, अब नहीं चढ़ने वाली है। अब जो है एनडीए गठबंधन जीत करके आएगा, क्योंकि एनडीए की दिल्ली में सरकार सही कह रहे हैं, कल्याणकारी योजनाओं चलने वाला नहीं, खतरे में है, इस तरह की बातों को फैलाया। वो मान गए कि बीजेपी का झूठ और प्रपंच नहीं चलेगा। आस्था जी, मैं नहीं कह रहा हूँ, सहयोगी दल के अनिल जी कह रहे हैं कि अब बीजेपी का झूठ और प्रपंच नहीं चलेगा, वो खुद ही मार रहे हैं, बताइए, खुद ही कह रहे हैं कि हम भारी पड़ेंगे, भारी पड़ेंगे, जहाँ 20,000 वोट आते हैं वहाँ 25,000 आ जाएगा। पीडीए का हिस्सा लेकर यादवों की जेब में जा रहा है, ये बता रहा है आपके कारनामे, आप बताओ ना, जिंदाबाद। जब समझ जाते हैं तो फिर क्या बात है, पीडीए का जवाब आप खोज रहे हो कर्नाटका में जाके, तो क्या बताएं, पीडीए की बात हम करते हैं, जो हमारे पिछड़ा दलित और पिछड़े अगर पीडीए जिसको लेकर के आप लोकसभा चुनाव में उतरे, और हम भी कह रहे हैं कि पीडीए की जीत, अब आप हिमाचल और कर्नाटक में जाइए, यूपी की बात करिए, आप चाह रहे हो कि यहाँ पे जो माइनॉरिटी है उनका सम्मान ना हो, आप चाह रहे हो जो यहाँ पे अगड़े हैं, जो पिछड़े हैं उनको आगे ना लाए, अरे आपने पांडे जी को बनाया,
प्रतिभान त्रिपाठी जी, अब इस उपचुनाव की जंग को आप किस तरह देख रहे हैं? बीजेपी ने बड़ा इशू बनाया है कि देखिए सपा की जो लिस्ट आई है उसमें तो फिर से परिवारवाद हावी है, एक एक उस शख्स के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है या उसके परिवार के सदस्य को टिकट दे रही है जिनके साथ कोई ना कोई विवाद जुड़ा है या फिर जुड़ गया है। आस्था के उपचुनाव में टकराहट बहुत तगड़ी होने जा रही है, बेशक इसमें कोई दोराय नहीं। एनडीए गठबंधन और जो इंडिया गठबंधन, ये दोनों मिलकर टकराएंगे इस चुनाव में। दोनों प्रतिशत दांव पर लगी है। इंडिया गठबंधन अभी हाल ही में जीत कर आया है, उसे विशेष उत्साह है और एनडीए गठबंधन को अपनी ताकत दिखानी है, अपनी ताकत की पुनर्वापसी करनी है उत्तर प्रदेश में, इसलिए टकराहट है। इसीलिए माइक्रो लेवल पर मैनेजमेंट किया गया है, मुख्यमंत्री जी खुद इसकी कमान संभाल रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और जो संगठन के महामंत्री हैं श्री धर्मपाल जी, ये जिम्मेदारी दो दो सीटों पर माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो 30 मंत्रियों के एक और पूरी फौज लगाई गई है, वो 30 मंत्री तीन एक एक विधानसभा क्षेत्र में तीन तीन मंत्री और उनके साथ दो दो पदाधिकारी लगाए गए, ये माइक्रो मैनेजमेंट है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी को इस बात का पूरा अंदेशा है कि जो जो उनका विपक्षी दल है उनसे टकराएगी मजबूती से, इसीलिए उन्हें माइक्रो मैनेजमेंट। और ये टक्कर जो है वो बहुत ही कड़ी और जबरदस्त होने वाली है क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास, लेकिन जो आरोप है और बीजेपी जो है वो कम से कम जो क्लीन स्वीप की बात कर रही है, एक बड़ा संदेश इससे देने की कोशिश में है। और इसीलिए अनुराग जी इस माइक्रो मैनेजमेंट का जिक्र हो रहा है, सरकार से लेके संगठन के सभी अग्रणी कतार के जो नेता है उनको जिम्मेदारी दी गई है बीजेपी में। अब आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी घबरा गई है। अब डिप्टी सीएम, दो दो डिप्टी सीएम, मंत्री, संगठन, सरकार सब लग गए। सोचो इतना काम अगर आपने किया होता जनता के लिए तो इतना पेट में गुड़गुड़ाहट थोड़ी हो रही होती, इतना डर थोड़ी रहे होते, हमारी तरह मुस्कुरा मुस्कुरा के बात कर रहे होते, क्योंकि आप जनता के मुद्दों के साथ खड़े होते। आप जनता के साथ खड़े नहीं हुए, अब मंत्री लगा रहे हो कि मंत्री जिता देंगे। मंत्री कभी चुनाव जिताते हैं क्या? अगर मंत्री चुनाव जिता रहे होते तो आप 33 सीट पे आते क्या? मंत्रियों के लगने से चुनाव नहीं जीता जाता है, जनता का दिल जीतने से चुनाव जीता जाता है, जनता के मुद्दों पे बात करने से चुनाव जीता जाता है, जनता में सद्भावना की बात करने से चुनाव जीता जाता है, युवाओं को रोजगार देने से चुनाव जीता जाता है, महिलाओं का सम्मान करने से चुनाव जीता जाता है, आपने जनता की बात करी, यहाँ पे छात्रों का आरोप ये भी लग रहा है। आप जनता की बात कर रहे हैं, जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं, हितों की बात कर रहे हैं, आरोप ये भी लग रहा है कि जिस पीडीए की आप बात करते थे उसमें से पीओडी तो आपने बड़ी सफाई से गायब कर दिया, बस ए को कुछ ना हो जाए, अयोध्या मामले से जोड़कर इसे कहा जा रहा है। कैसे अयोध्या मामले पर जो आपका स्टैंड है उसे जोड़ करके कहा जा रहा है कि पीओडी तो भूल गया, पीओडी तो भूल गए, पीड़िता से मिलने पहुंचा कोई नेता सपा का या विपक्षी पार्टियों का? अरे मेरी बात सुनिए, बीजेपी का बीजेपी देखो बीजेपी मुद्दे तलाश रही, मैंने कहा ना आपसे, आपने कहा ना मंत्री लगा दिए गए, अरे जिस प्रदेश के अंदर में महिलाएं अपने अधिकार के लिए आत्मदाह करने लगे, कभी थाने के सामने, कभी लखनऊ के अंदर मुख्यमंत्री आवास के इर्द गिर्द में, तो आप उसको उस प्रदेश में क्या न्याय की? संजय चौधरी जी, संजय चौधरी आपने देखा आज क्या घटना हुई? आप भी कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बेहाल है और वो मजबूती से पीडीए के साथ खड़े हैं क्या? कोई आस्था जी सही चेहरा देखिए, ये वही लोग हैं। मैंने कहा ना मुद्दों की बात कीजिए, पीडीए की बात करने वाले, पीडीए की बात करने वाले बताएं, यादव के अलावा किस पिछड़े को आपने कौन सा पद दे दिया? यादव के अलावा किस पिछड़े को कौन सा पद दे दिया? अन्याय हो रहा है, आप लोग जहाज से उड़ रहे हो, लखनऊ दिल्ली, दिल्ली लखनऊ, हमारा कौन कल्याण करेगा? तो कैसे चुनाव जीत जाओगे आप जब दिल्ली लखनऊ उड़ रहे हैं ये लोग? तो सवाल ये है, दिल्ली लखनऊ उड़ रहे हैं, जनता इंतजार कर रही है, नीचे बैठी है, ये 30-30 फुट की ऊंचाई से उड़ रहे हैं भैया। एक सेकंड, अरे इतनी ऊंचाई पे उड़ोगे तो अनुराग जी, जनता का भला अनुराग जी दूसरे पैनलिस्ट की बात पे आइए, दूसरे पैनलिस्ट की बात आइए, जनता से हाथ जोड़िए,
कहिए आपकी क्या समस्या है, तब तो आपकी मदद कर पाएंगे। आपके अधिकारी कह रहे हैं, संजय चौधरी जी, एक सेकंड, संजय चौधरी जी की आवाज कट कट के आ रही है। अनुराग जी आप शांत होइए, इसलिए दूसरे का ऑडियो में प्रॉब्लम हो रहा है। शांत होइए आप, संजय जी की आवाज आएगी ऑन एयर। 20 सेकंड बात पूरी कीजिए संजय जी। देखिए मुद्दों की बात तो यही है कि जो पीडीए की बात करने वाले थे वो पीडीए में किसको हिस्सा देते हैं यादवों के अलावा। मैंने कहा ना कि चार पद में एक पद बताइए जो किसी जो किसी पीडीए को तो आपके नेता हम नहीं कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि भैया यहाँ करप्शन बहुत है, आपके विधायक कह रहे हैं कि अधिकारियों के पैर छूने पड़ते हैं। हम थोड़ी कह रहे हैं, आप हम पे क्यों आरोप लगा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, आपकी बात बता रहे हैं कि आपके विधायक लोग कह रहे हैं और आपके डिप्टी सीएम दिल्ली दौड़ दौड़ के जाते हैं। हम थोड़ी अनुराग जी आपकी ऑडियो के कारण दूसरे गेस्ट का ऑडियो कट रहा है, हम क्या करें, डिप्टी हटाने के चक्कर में वो डिप्टी हटाने के पड़ेंगे मेरे नाम से आगे डिप्टी हट जाए, लेकिन जनता पीसीआर मैनेज करिए। संजय चौधरी का ऑडियो, हत्या का कोई जवाब नहीं है और इसीलिए ये समाजवादी पार्टी इस पीडीए के पीछे छुपती है, लेकिन देने की बारी आती है तो पीडीए के पीठ में छुरा भोंकती है। यही भाई समाज, पहले आपस में एक हो जाओ उसके बाद जनता की बात करना। के साथ जाती है, कहाँ है कुर्मी, कहाँ है पिछड़े, कहाँ है लोग, कहाँ है मल्ला, कहाँ है बात कीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है। ठीक है संजय जी, अनुराग जी आपका जवाब। नहीं एक एक करके बोलिए आप लोग। संजय जी आपने आपने आरोप लगाया कि समय आने पर पिछड़ों को भूल जाते हैं, दलितों को भूल जाते हैं, टिकट देने की बात आती है, पद देने की बात आती है तो उनको भूल जाते हैं, लेकिन ये यानी अल्पसंख्यक याद रहता है, उसके लिए बचाव में भी खड़े हो जाते हैं बिना न्यायालय के फैसले के। अनुराग जी जवाब मैं दे दूं? हाँ बिल्कुल। देखिए देखिए हमने तो हम वो लोग हैं जो अयोध्या से हमने जनरल सीट पे भी हमने कौन सा लड़ाया, दलित चेहरा लड़ाया और प्रभु राम ने आशीर्वाद दिया, जीत गए हम वो लोग। तो रिजर्व सीट पे भी जनरल सीट पे भी रिजर्व कैंडिडेट लड़ाते हैं प्रभु, हमारी तुलना कहाँ कर रहे हो, आपकी तो हिम्मत ही नहीं होती है और आप ये सब चक्कर में कहाँ पड़ रहे हो। आप जनता की बात करो ना, आप हार गए ना, अब आपको लग रहा है पीडीए जो फॉर्मूला कामयाब हो गया तो उसमें दूरबीन लगाए खोज रहे हैं। अरे पीडीए में कुछ गड़बड़ी है, अरे यहाँ पीडीए नहीं हुआ, यहाँ माता प्रसाद पांडे जी को बना दिया, पीडीए कहाँ चला गया, दूरबीन लगाते थे कहाँ का जवाब दीजिए। इतनी दूरबीन अगर आपने जनता के जनता की समस्या पे लगा दी होती तो शायद शायद कुछ कल्याण कर पाओगे। आज जनता की समस्या का सुनते नहीं हो आप, जहाँ दूरबीन लगानी वहाँ लगाते नहीं हो, इसलिए आप हार रहे हो फिर चिल्ला रहे हो बैठ के। हम क्या करें प्रभु, हम तो आप ही को राय दे रहे हैं, मेरी मुफ्त की राय है। आप जनता की बात कीजिए, जनता की समस्या की बात कीजिए तो कुछ कल्याण हो पाएगा। राय दे रहे हैं तब भी नहीं मानोगे तो हम नहीं कुछ कर सकते। अब आपके विधायक खुद ही कह रहे हैं कि हम परेशान हैं, मेरा काम नहीं हो रहा है, जनता का काम नहीं करवा पा रहे, तो हम तो नहीं कर रहे हैं आपके विधायक कह रहे हैं आप हमारे बात बता रहे हो। दूसरे पैनलिस्ट की भी बात सुनिए, बात नहीं सुनी जा रही, ऑडियो ऑफ करवाऊंगी वरना मैं। प्रियंका गुप्ता जी हमारे बीच में कांग्रेस की प्रवक्ता, उनसे मेरा सवाल है। प्रियंका जी समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक जिन जिन सीटों पर टिकट की बात सामने आई है वो सभी परिवारवाद की तरफ इशारा करते हैं, ऐसे लोगों से संबंधित हैं जिनके परिवार को ही टिकट दिया जा रहा है, इसे भी लेकर बीजेपी घेर रही है और लोकसभा चुनाव से वो कहती रही है कि आपके पीडीए में जो पी है वो ही तो परिवारवाद है। तो बीजेपी जिसके अपने घर शीशे के हैं दूसरे के घरों पर पत्थर फेंक रही है, अपना दल क्या है, सुभाषपा पार्टी क्या है, निषाद पार्टी क्या है, आरएलडी क्या है। भारतीय जनता पार्टी जब मंचों पर इनके साथ खड़ी होती है तब अपनी आंखें कैसे मिलाती है दुनिया के सामने, जब उसी परिवारवाद को बुराई करते हैं, उसी परिवारवाद को समेट कर बैठे हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश की हालत बता रही हूँ, पूरे देश में जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सबसे बड़ा परिवारवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। कम से कम कांग्रेस को तो बोलने दीजिए अनुराग जी, आप भी कब सहयोगी दल, आप तो अभी से उनकी बोलती बंद कर रहे हो। याद दिलाया, वो पूरी तरीके से सामने आ चुका है। अंतर कलह ये है कि कौन किसको हरवा दे पता ही नहीं होगा। अभी तो हालत ये है कि अपना दल कह रहा है कि जाइए जातिगत जनगणना में बोलिए, तो भारतीय जनता पार्टी का लेकिन प्रियंका जी नहीं नहीं भाई इनके गठबंधन के साथ पटेल की भी मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री से। नहीं नहीं मुख्यमंत्री से मुलाकात तो बार बार हो रही है, पर ब्लेम कौन लगा रहा है? और आप बताइए उन्होंने ही तो मुद्दा उठाया कि आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, प्राइवेटाइजेशन, युवाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, ये सारे मुद्दे किसने उठाए? भारतीय जनता पार्टी जवाब दे इसका। और बोलिए बोलिए संजय जी, लास्ट एक मिनट का वक्त है मेरे पास, जवाब। ठीक है प्रियंका जी जवाब लेते हैं इसका, बोलिए संजय जी। नीतिगत विरोध है इस व्यवस्था को लेकर, कौन आया इस व्यवस्था को लेकर? तो नरसिम्हा राव आए थे,
और नरसिम्हा राव करे तो अच्छी, कांग्रेस करे तो अच्छी, और भारतीय जनता पार्टी करे तो खरा। समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव ने बढ़ाया ना इसको, ये व्यवस्था कौन की दी हुई है, यानी कि नीतिगत आधार पर समर्थन, और अगर वक्त आ जाए तो उसका विरोध, यही असली चेहरा। मैंने कहा ना कि जो पीडीए की बात करते हैं, चलिए किसका असली चेहरा क्या है, किसके वायदे असली हैं, किसके दावे असली हैं, ये फैसला जनता को करना है। बहुत जल्दी उपचुनाव होने वाले 10 सीटों पर। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लोकसभा चुनाव के बाद अब यूपी में उपचुनाव की जंग तेज हो गई है। तारीखों का ऐलान तो फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां जरूर तेज कर दी हैं, और उसी के साथ तेज हो गई है राजनीति भी और अलग अलग विषयों पर बहस। महाबहस में फिलहाल इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।